ये बाबा कुल्फी अभी इधर पहुंच गई लगी, ये इधर दो है हमारे, देखे था क्या लाया वो दादा का ना बाबा मलाई कुल्फी दाम न दे نبل خو ګور پدې ټول مردان دي نه کما مخه باندې دا یو خدای دی بابا یا پر میرے خیال سے پتہ نہیں پانچ چھ دکانیں ہیں لیکن اصل کا پتہ ہی نہیں چل رہا دشان بھائی کو پتہ ہے نا نہیں یہ والا ہے گاڑی پیچھے لو پیچھے گاڑی پیچھے لو جا अभी नीचे उतार रहे और कुल्फी खाने जा रहे हैं। बस अल्लाह खैर करी ओरिजिनली हमें मिले, क्योंकि यहाँ पर पाँच छः है मेरे ख्याल से, तो इसमें असल का पता ही नहीं चल रहा कि कौन सा है। अभी निशान भाई कह रहे हैं कि ये असल है, पुराना है, लेकिन पता नहीं चल रहा कि ये है भी या नहीं। बाबा कुल्फी अगर आपने भी आना हुआ तो मेरे ख्याल से ये ओरिजिनल है, जूस शॉप वन एंड स्पेशल ये वाला है। जूस को उसको यार कुल्फी में ना जूस उमदी तो इसलिए उधर जा रहे, उधर बैठ रहे। हमारे बराबर है निशान भाई, अभी कह रहे हैं कि पैसे इकट्ठे करो क्योंकि बाद में मसला होता है। ये सारे यकी करते हैं, ज़्यादा ना 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 यार नहीं नहीं के वाला सुन सर को नीचे तो बदल का मार ना बोले वो सर निश्चित मार ये क्या तो होती है सुरो सही शु ना वहाँ का वाला है सो वहाँ का वाला है मार्च राजस्थान के वाला। अभी इधर आ गए, ये मर्दान का बहुत ही मशहूर कुल्फी है, बाबा कुल्फी के नाम से मशहूर है, लेकिन हम कुल्फी नहीं खा रहे, जूस पी रहे। तो अगर आपने कुल्फी खाना हुआ तो यहाँ पर आप विजिट करें, बहुत ही मशहूर है। अंकल कह रहे कि मर्दान का सबसे पुराना दुकान जो है ना वो ये है, जो मतलब 1971 से चल रहा है, और सुबह के टाइम में ये अंकल होते हैं और फिर बाद में बाबा जी यहाँ पर बैठते हैं। अगर आप लोगों ने आना हुआ तो ये शक्ल ज़रूर याद रखिए, और ये बोर्ड वगैरह भी लगे हुए हैं, बाबा जूस शॉप नंबर वन लिखा है मेरे ख्याल से। तो हाँ सर, कुल्फी भी लगे ना, कुल्फी भी मौजूद है और स्पेशल फालूदा भी मौजूद है। अगर आपने शेक वगैरह पीने तो वो भी साइड पर मौजूद है। हमारा दूसरा शॉप जो है ना वो बिलाल मस्जिद नहीं है, कालीन चौक से थोड़ा आगे बिलाल मस्जिद, उसके सामने हमारे दूसरा ब्रांच भी है। और ये देखो सफाई चेक करो, बच्चे लगे हुए हैं सफाई कर रहे हैं। और कुल्फी खुदा का क्या रखना, कुल्फी दे रही है। अच्छा कुल्फी हो गया, हम लगे ना डिफ्यूजर तरह ये कुल्फी आप देख सकते हैं, पुराना सिस्टम है दाद का ना, ये आप देख सकते हैं इसी चीज़ में ये लोग बनाते हैं, फिर इसमें
स्पाइस में कन्वर्ट करते हैं। और ये फालूदा पड़ा हुआ है, कम कुल्फी का ना ये भी नहीं मिला ही। अच्छा अच्छा, पहले जो है ना ये कुल्फी काटे ना इसमें बनते थे। अच्छा, अभी मशीन आ गया है ना तो उसमें बनते, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। अभी हर चीज़ में जो है ना सहूलत आ गया, हर चीज़। अच्छा, रश भी बढ़ गया क्योंकि इसमें तो इतना नहीं बन सकता। हाँ बिल्कुल, मकदार ही नहीं है। तो अभी चाचू कह रहे हैं कि फ्रीज़र में बनाते हैं, सेम वही चीज़ है, सिर्फ फ्रीज़र में इन्होंने कन्वर्ट किया क्योंकि उसमें बर्फ़ डालते हैं बनाते हैं। और यहाँ पर फ्रीज़र मशीन में जो है ना इसलिए ये बनता है ना। अच्छा हाँ, वो मशीन में बनता है तकरीबन, तो वो चेंजेस तो नहीं होते। नहीं 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 नहीं, चीज़ वही है, लेकिन इसमें हम पहले बर्फ़ डाल देते थे, फिर नमक और उसको हिला 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 के कम से कम घंटा डेढ़ घंटा दो घंटे इस पर लगा देते, सुबह से स्टार्ट कर देते। अभी जो है ना सिर्फ मशीन में डाल दो, तकरीबन 10-15 मिनट में ये तैयार हो जाएगा। अच्छा, आसानी आएगी, आसानी आएगी। और वो तो घंटों का काम है, वो तो घंटों का काम है। अभी पहले जब इसमें बर्फ़ हम डालते थे ना, अच्छा, तो उसको जो टूटनी रबड़ उसमें डाल के उसको बोक देते हैं टक 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 टक। अभी मशीन आ गया, 15-20 मिनट में चीज़ तैयार हो जाती है। 10 मिनट में जो है ना एक मन बर्फ़ हम उसको। अच्छा, 10 मिनट में एक मन बर्फ़। तो ये शुक्र है आसानी आ गई, सब हर चीज़ में आसानी आ गई, हर चीज़ में। अल्लाह बरकत डाले। आमीन आमीन। जूस आ गया, ये आप देख सकते हैं। सिंह है नैन भाई, जूस किस तरह है? जबरदस्त। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। निशान भाई, शेख किस तरह है? माशाल्लाह बहुत जबरदस्त। क्या है बताओ? अंकल जी बहुत जा रहे हैं, शुक्रिया करदानी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। ये अंकल याद रखिए आप लोग, अगर आपने आना हुआ तो ये चाचू याद रखिए, शक्ल ज़रूर याद रखिए। थैंक यू अंकल, जज़ाकअल्लाह। ये कार्ड आपको भी दिखा दूँ और मैं भी खुद भी दे दूँ। दा बगूर है और ये भाई जूस वाला, ये भी अपना ही बराबर है। ये आप देख सकते हैं बाहर से भी शॉप का, हाँ ये बाबा जूस शॉप फंड एंड स्पेशल फालूदा ब्रो, ये आप देख सकते हैं। ये दुकान लाजमी याद रखें, अगर आप लोगों ने आना भी हुआ तो ये अंकल जी आपको नज़र आ रहे हैं। और साथ ही ये जूस का कॉर्नर भी है, ये भी इनका है, ये आप देख सकते हैं।